अब ऑल वाइट एज अ इंटरव्यू ना। हां तो डबिंग करोगे आप? डबिंग हम पूरा कुछ चला देंगे अपने चैनल पे। रोल चलो रोलिंग। नमस्कार प्रणाम, हम बानी निशा दुबे और आज हम ऑडियो लैब स्टूडियो में बानी। हमार फिल्म रुद्रा के डबिंग हो रहा बा और बहुत खुश बानी कहे कि बहुत बढ़िया फिल्म बा। हमारा साथे यश कुमार मिश्रा जी बानी अपोजिट में, जो कि बहुत ही अच्छा कलाकार बानी, बहुत अच्छा इंसान बानी, उनके बारे में हर कोई जाना था। इज अ वेरी सपोर्टिंग मैन और बहुत खुश बानी हम ये अपना डबिंग के आज के दिन के लेके। एक्साइटमेंट तब से रहला जब से हम ये फिल्म का शूटिंग करनी है कि कब डबिंग हुई, कब रिलीजिंग हुई। फिर से भी अगर चाहिए चलो रोलिंग। निशा फिल्म रुद्रा की डबिंग कर रही है, किस तरह की फिल्म है, किस तरह का आपका किरदार है, दर्शक किस रूप में आपको देखेंगे? इसमें एक टिपिकल वुमेन का कैरेक्टर है मेरा, जो कि काफी फिल्मों में मैं उसी कैरेक्टर को प्ले करते आई हूँ। दर्शक मेरे उस रोल को पसंद करती है, ऐसे में ऐसे टिप टॉप झकास बन के घूमती हूँ। पर जब फिल्म में काम करने का टाइम आता है तो एकदम मस्त भारतीय नारी सिंदूर विंदूर पहन के ये कैरेक्टर मेरा, ज्यादातर फिल्मों में ऐसे ही दिखी हूँ मैं। कंटिन्यू जो फिल्में आ रही है, स्वर्ग है, रुद्रा है, अभी चिंटू जी के साथ फिल्म करके आ रही हूँ माई रे हमरा वे लेके चाहिए, उसमें भी सेम। तो ज्यादातर टिपिकल वुमेन के रूप में मैं हर जगह नजर आऊंगी और शायद मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक मुझे इसी रूप में पसंद करती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पब्लिक आपको टिपिकल बहू के रूप में पसंद करेगी? आप अगर मॉडर्न लुक में आएंगी तो भी आपको पसंद करेंगे दर्शक? मे बी, पर ज्यादातर फिल्मों में उसी लुक में मुझे दिखाया जा रहा है, तो शायद डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एक बिहार की जो सीधी साधी औरतें, जो महिला होती है, तो शायद मेरे अंदर वो चीज डायरेक्टर को नजर आता, तो ऐसे कैरेक्टर देते हैं मुझे ज्यादातर। अनिशा बात कर ली जाए इस फिल्म की रुद्रा की, इस फिल्म में यश जी डबल किरदार में है, डबल रोल में है, तो आप उनके साथ किस किरदार में नजर आएंगी, बाप के या बेटे के? नहीं, मैं उनके साथ जो इस फिल्म का लीड है रुद्रा, जो रुद्रा का कैरेक्टर है, मैं रुद्रा की बीवी के रोल में इस फिल्म में नजर आऊंगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यश के जितना बड़ा बेटा मतलब मैं इसमें रुद्रा की बीवी के कैरेक्टर में नजर आऊंगी। अनिशा बात कर लीजिए आपकी फिल्म स्वर्ग की, स्वर्ग के बारे में कुछ बताएंगे? स्वर्ग भी बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब अभी भोजपुरी के दौर में अच्छी फिल्मों का दौर चल चुका है, तो स्वर्ग भी एक पारिवारिक फिल्म है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आप बैठकर देख सकते हैं। और उसमें जो भी आर्टिस्ट मेरे साथ हैं, जितने भी लोगों ने, सबने अपना बेस्ट दिया है। और एक लाइन में बोलूँ तो बहुत अच्छी फिल्म है स्वर्ग। आप सभी लोगों से, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग जाके इस फिल्म को देखिए, इज अ वेरी बेस्ट 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 मूवी। चिंटू जी के साथ भी आप फिल्म कर रहे हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, चिंटू जी भी बहुत सपोर्टिंग है। जैसे मैं यश जी के बारे में बोल रही थी कि यश जी सेट पे बहुत सपोर्ट करते हैं, और एक आर्टिस्ट को, मतलब अगर हम पहली बार किसी के साथ काम करते हैं तो बहुत नर्वस हो जाते हैं कि भाई हम कैसे काम करेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम मिले हैं। पर यश जी के साथ काम करके जितना मजा आया, उतना ही मजा मुझे चिंटू जी के साथ काम करके आया। वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है सेट पे। रोमांस करना चाहे तो किसके साथ आप करना पसंद करेंगे? इसके सवाल बहुत खतरनाक होते हैं, मैं सोच रही थी अभी तक ये बोला क्यों नहीं। एक्चुअली सभी लोग बहुत हॉट हैं हमारी भोजपुरी में, ऐसा नहीं है पर किसी एक बंदे की बात करूं कि मैं रोमांस किसके साथ करना चाहूंगी, तो मैं पवन जी के साथ रोमांस करना चाहूंगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब उनका पहला एल्बम आया था भौजी काचे कसेलिया के स्वाद कैसन, बहुत पहले उस समय मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, उस समय से मैं पवन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अगर मुझे कुछ ऐसे सीन्स करने का मौका मिला तो मैं पवन जी के साथ करना चाहूँगा। पवन जी की बात करें तो हाल ही में पवन जी और केसारी लाल के बीच में काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तो आप पवन जी के बहुत फैन है, तो क्या कहना चाहेंगे? कट करो मारूंगी, इस बारे में मत पूछ, मैं क्या बोलूँ इस बारे में, बताओ उन लोगों के कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। चलो कटे, हाँ, ऐसा बोलिए। लेकिन नेक्स्ट फिल्म पवन जी का करना। लो ये ऑफर दे रहा है। ये ऑफर है। किशन रोल क्या कहना चाहेंगे मैम? कैसारी और पवन जी के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है, इस तरह की कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे जो सिंगरों ने झगड़ा लगाया दोनों? पहले तो जो सिंगर संदीप तिवारी जी ने ये सब स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे पवन जी हो या खेसारी जी हो, वी ऑल आर आर्टिस्ट, और हमें जो गाना लिख के मिलता है हम वो गाना गाते हैं। पर हमारा किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कोई टोन नहीं होता कि हम अगर जादव जी का नाम ले रहे हैं तो हम उनके ऊपर टोन कर रहे हैं, या किसी बाबू साहब का नाम ले रहे तो उन पर टोन कर रहे जी नहीं। हमारा मकसद सिर्फ एक ऐसा गाना गाना होता है जो कि हमारी पब्लिक को पसंद आए, और जो भी भाई ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो संदीप तिवारी जी हो या फिर
और भी बिहार के काफी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है यूट्यूब पे, तो अभी हर जगह यही मुद्दा नजर आ रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि दो स्टारों को आपस में भिड़ा के आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसलिए सब लोग मिलजुल के रहें। भोजपुरी वो छोटी सी इंडस्ट्री है, हम सब मिलके इसको ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए। आपस में झगड़ा लगाने से कोई फायदा नहीं है, सब लोग मिलके सपोर्ट करिए ताकि हम लोग भोजपुरी को और टॉप लेवल पे लेके जा सकें। मोदी सरकार के 3 साल कंप्लीट हो गए तो क्या शुभकामनाएं देना चाहिए आप? मोदी जी जब से आए तब से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। तो बेसिकली अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज से। हमारे यूपी में योगी सरकार आ गए है, सारी जो भी वहाँ पे यूपी में तो काफी सारी चीजें चल रही थी, गलत चीजें चल रही थी, वो सभी काफी साफ हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मोदी जी से अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो यही कहूँगी कि आप इसी तरह अपना काम करते रहें, हम सभी भारतीयों का सपोर्ट आपके साथ है। ब्लेस यू।